अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी को भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उससे आजाद कराया था। इस अवसर पर हर साल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्रों का दहन किया जाता है। उत्तर भारत में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस साल विजयादशमी पर कौन से शुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं। इस साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:44 से शुरू हो चुकी है और दशमी तिथि का समापन 24 अक्टूबर यानी आज दोपहर 3:14 पर हो गया। उदया तिथि के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में भी शहर के सबसे बड़े रामलीला मैदान में रामलीला आयोजित की जा रही है, जिसमें आज रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के वध से पहले कलाकारों द्वारा राम बारात निकालने की तैयारी की जा रही है, जिसका जायजा अमृत विचार के संवाददाता अब्दुल वाजिद ने लिया। पहली बार मुरादाबाद में रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे कलाकारों ने बताया कि वह काफी खुश हैं कि आज वह पहली बार मुरादाबाद के रामलीला मैदान में राम बारात में शामिल होंगे और मयूर नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही वह कृष्ण भगवान और राधा के तीन तीन अलग रूप में भी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। कलाकार शुभम महादेव ने बताया कि वह संभल से पहली बार प्रस्तुति देने आए हैं। इससे पहले वह देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, लेकिन पहली बार मुरादाबाद के सबसे बड़े रामलीला मैदान के आयोजकों ने उन्हें आमंत्रित किया है, जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। शुभम ने बताया कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके और उनके साथी कलाकार रामलीला देखने आए और दर्शकों को अच्छी प्रस्तुति देकर मंत्रमुग्ध कर दे। उन्होंने बताया कि इस बार राम बारात में राजस्थानी लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा, जो आयोजकों की मांग पर पहली बार मुरादाबाद के रामलीला मैदान में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि मुरादाबाद के लाइन पर इलाके के रामलीला मैदान में सबसे अधिक संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। रामलीला मैदान के चारों तरफ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए हैं। निर्धारित समय पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। इस दौरान मुरादाबाद के प्रथम नागरिक विनोद अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आज हम रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए संबल से। तो हमारा एक राधा कृष्ण का नृत्य है, मयूर नृत्य, और एक हमारा राजस्थानी चरकुला है, जिसमें हम काफ़ी लोग सुंदर सुंदर होकर तैयार हो रहे हैं और जितनी हमसे मेहनत होगी उतनी करेंगे अपनी तरफ से। सारे कलाकार हमारे मेहनती हैं। तीन अलग अलग स्वरूप में कृष्ण जी के स्वरूप होंगे और तीन राधाएं होंगी। राजस्थानी प्रोग्राम होगा, सिर पे दिए का स्टैंड रख के सब राजस्थानी लुक में होंगे सारे लोग। नहीं, पहली बार नहीं, हम लोग करते रहते हैं जगह जगह और सभी जगह। इस टाइम राम बराते निकल रही हैं तो ज़्यादातर हम सभी लोग हर जगह जाकर अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। ज़्यादातर सभी जगह हमारे प्रोग्राम बुक हुए थे और हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस टाइम सब लोग बिजी चल रहे हैं। पिछली साल इस तरीके का कार्यक्रम था, लेकिन पिछले साल हम लोग नहीं थे, इस बार हम आए हैं यहाँ पर प्रोग्राम करने पहली बार आप लोग जी। इस तरह का किरदार जो अदा किया जा रहा है? नहीं, ये तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ मुरादाबाद में रामलीला ग्राउंड में पहली बार आए। मुरादाबाद में पहली बार आयोजित किया जा रहा है? जी 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 जी, हाँ जी, मुरादाबाद में पहली बार कर रहे हैं यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में। तो क्या खास रहने वाला है आज? सब खास ही खास होगा भैया, आज जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे। आपकी प्रस्तुति में क्या खास रहेगा? मयूर नृत्य, हम ज़्यादा अट्रैक्शन होगा मयूर नृत्य पे, काफ़ी अच्छी तरीके से मयूर नृत्य दिखाया जाएगा आज। आपकी